उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव से ज्यादा राम मंदिर की चर्चा हो रही है। आपको बता दें 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर लगातार सियासत भी तेज नजर आ रही है। हर कोई जनता को साधने के लिए अपने आप को खासम खास रामलला का बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में एक अलग ही राजनीति का दृश्य देखने को मिला है। आपको बता दें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुलावे पर सियासत हो रही थी, ऐसे में अब एक नया रूप भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के गेट पर प्रभु श्री राम हमारे आराध्य और भगवान राम का मंदिर, साथ ही उनकी एक तस्वीर जिसमें बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के गेट पर ऐसा बोर्ड दिखाई देने का मतलब सियासत अपने आप में ही तेज हो जानी है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी राम भक्तों का विरोधी समाजवादी पार्टी को बताने की कोशिश करती है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस तरह का पोस्टर या बैनर लगा होने के वजह से समाजवादी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम भी भगवान श्री राम के खासम खास हैं। फिलहाल आपको बता दें, जब अखिलेश यादव से पूछा गया था कि आपको अगर बुलावा मिलेगा तो आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जाएंगे, भगवान राम जिसको बुलाएंगे वो जाएगा, उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो ना जा पाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सबसे ज़्यादा सियासत तेज चल रही है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के गेट के बाहर एक बड़ा बैनर और पोस्टर दिखाई दिया तो अपने आप में सियासत तेज हो गई। आपको बता दें लगातार ये बैनर और पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां पुराने दिन समाजवादी पार्टी को लेकर याद दिलाने का काम करती है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता राम प्रेमी होने का दावा कर रहे हैं।